अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। जैसे मैंने इसके अंदर राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। मैं वो प्लेलिस्ट उसके अंदर ऐड कर दूँगा कि दोनों एक ही चैप्टर है। वैसे उसका 5th और 6th चैप्टर आपके 6th में दे रखा है, टुकड़ों में दे रखा है वहाँ पर, तो आप वहाँ से बेसिक सीख सकते हो। मैंने बेसिक का वीडियो बनाया हुआ है तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो मैं केवल जो क्वेश्चन उसके अंदर नहीं दिए हुए थे वो मैं करवा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ। तो मतलब ये इस बुक्स में है, ये CBSE में है, लेकिन ये राजस्थान बोर्ड में नहीं है, तो वो वाले क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। बाकी आप मैं वहाँ प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा तो वहाँ से आप देख सकते हो। बेसिक भी दिया हुआ है अंदर और क्वेश्चन भी दिए हैं सारे के सारे, तो सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे दूँगा वहाँ पर। तो इसमें अंदर आपको दे रखा है AOC और BOE, ये और ये, इन दोनों का जो जोड़ है वो है 70 डिग्री, और ये दे रखा है आपके 40 डिग्री। ये तो है क्वेश्चन में दिया हुआ, इन दोनों की जोड़ 70 है और ये 40 है, तो ये 40 ये भी 40, सिरसा विमुख कोण। तो लिख देंगे कोण, जैसे यहाँ देख सकते क्या नाम है BOD, तो कोण BOD बराबर है कोण AOC। ये दोनों बराबर है, दोनों कितने हो जाएंगे 40 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा, सिरसा विमुख कोण ये 40, ये भी कितना आ गया 40, इन दोनों की जोड़ है वो 70 है, ये 40 तो ये कितना हो गया 30। तो कोण AOC प्लस कोण BOE दोनों का जो योग है वो है 70। ये है सवाल के अंदर आपके दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के जोड़ 70 दे रखा है, उसमें हम क्या करेंगे, ये वाला घटा देंगे AOC, क्योंकि AOC हमने ज्ञात कर रखा है 40 डिग्री है, BOE ज्ञात कर लेंगे बराबर 70, उधर भेज दो। तो BOE ये दे रखा है 70 माइनस 40 बराबर दे रखा है 30, घटा दो, घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा आपके, आ गया 30 डिग्री यहाँ पर। अब इन तीनों का जो कोण का योग होता है वो होता है 180, कोण AOC प्लस कोण BOE प्लस कोण COE, इन तीनों का योग कितना होता है 180। कारण क्या लिख सकते हैं, रेखिक कोण युग्म, ये भी लिखो तो भी चलेगा, आप रेखिक कोण युग्म में भी लिख सकते हैं, और आप चाहो तो सरल रेखीय कोण भी लिख सकते हो, दोष ज़्यादा हो तो भी चलेगा रेखिक कोण युग्म, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सरल रेखीय कोण लिखो, रेखिक कोण युग्म में भी लिख सकते हैं, और सरल रेखीय कोण लिखो तो भी राइट है। अब तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है 180 होता है, इन तीनों कोणों क्यों होता है, रेखिक कोण युग्म सीधी रेखा है, तो इनकी कोणों का जो भी जोड़े बन रहे हैं सबका योग कितना हो जाएगा आपके 180 हो जाएगा। AOC और BOE इनका योग दे रखा है 70, और हमें करना है ज्ञात COE ज्ञात करना है, उधर भेज दो। तो COE हो जाएगा आपके 180 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 110। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रतिवर्ती कोण COE चाहिए, प्रतिवर्ती मतलब ये तो हमने ये ज्ञात किया आया है 110, क्योंकि मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए पीछे वाला, प्रतिवर्ती पीछे वाला चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल। तो प्रतिवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं, प्रतिवर्ती कोण COE ये कैसे ज्ञात करते हैं, 360 में से घटाना पड़ेगा COE, जो कोण ज्ञात करना है वही घटाना है 360 में से, ताकि उसको उल्टा ज्ञात हो जाए, 360 माइनस 110, तो ये हो जाएगा आपके 250 डिग्री। एक ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बाकी क्वेश्चन तो मैंने करवा रखे हैं राजस्थान बोर्ड के, मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप पहले ये देख लो। ए और बी में अनुपात है आपके 2:3 का, ए और बी में अनुपात दे रखा है आपके 2:3, यही है 2:3, और मुझे याद करना है कौन सी का मान कितना है। देखो ए को बी को और 90 डिग्री को जोड़ने पर होता है 180, कारण हो जाएगा रेखिक कोण युग्म, या सरल रेखीय कोण भी लिख सकते हो आप, रेखीय कोण युग्म लिखो तो भी आपके चल जाएगा, काम बन जाएगा। रेखीय कोण युग्म लिखो तो भी चलेगा, सरल रेखीय कोण युग्म लिखो तो भी चलेगा, क्वेश्चन में ये भी दे रखा है बुक्स के अंदर, तो रेखीय कोण युग्म लगा सकते हैं। तो ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:3, जब अनुपात होता है तो लिखते हैं माना कि ए बराबर हो गया है 2x और बी बराबर हो गया है आपके 3x, ये हो गया है 2x, ये हो गया है 3x, ये हो गया है 90 बराबर 180, उसको उधर भेज दो, और ये हो जाएगा 3 और 2 कितने हो गए 5x, उसको उधर भेज दो, ये आ गया 90।
अब ये गुणा है तो भाग में x का मान रहेगा 90 बटा 5, ये आ गया आपके 18 डिग्री। ये मुझे ज्ञात करना है c कोण, तो इसके लिए b ज्ञात करना पड़ेगा। बताओ b कोण कितना हो गया, b है आपके 3x, 3 × 18, ये हो गया आपके 54 डिग्री। अब b और c का जो जोड़ है वो होता है 180 डिग्री। b का मान कितना है, b का मान हमने ज्ञात किया 54, और c का मान करना है आपको ज्ञात, उसको उधर भेज दो, तो c का मान आ जाएगा 180 माइनस 54 बराबर हो जाएगा आपके 126 डिग्री। बाकी के मैंने बना रखे हैं सारे के सारे, तो मैं उसके प्लेलिस्ट में ऐड कर लूँगा, होम पेज पर ही है, तो ये पार्ट वहाँ से देख सकते हो, पूरा पूरा पार्ट मैंने बना रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो।